हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पेस पैराडाइज। सो चलिए आज हम देखते हैं एक हॉरर एपिसोड को जान के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी रहस्यमयी सीढ़ियों की। प्यारे बच्चों, क्या तुम सभी ने वो कहानियां सुनी है? मतलब वो डरावनी और अजीब सी कहानियां जो कि स्कूल और हॉस्पिटल से जुड़ी हुई होती हैं, और यहाँ हमारे स्कूल से जुड़ी हुई कहानियां भी। हाँ तो बच्चों, आज आखिरी रात है आपकी पार्टी की, तो आज अच्छी तरह आराम कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है ना मसाओ। हाँ कजामा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्ती दोस्ती दुनिया में। चल क्या कर रहे हो, छोड़ो, मुझे ठीक नहीं लग रही है। मैं सारी कहानियाँ नहीं जानता, लेकिन एक के बारे में जानता हूँ। उसकी कहानी तो मैंने बहुत से लोगों से सुनी है। सच में तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। मुझे आसपास से कुछ पैरों की आवाज आ रही है। क्या तुम्हें वो कहानी पता है? पता नहीं, मैंने सुना है यहाँ पर रहस्यमय सीढ़ियाँ है। जोर से आई कजामा, उठो कजामा। क्या हुआ? मेरे साथ बाथरूम चलोगे क्या? क्या कहा तुमने, बाथरूम तो यहाँ से काफी दूर है। क्या कजामा, तुम्हें डर लग रहा है? देखो मैं डर नहीं रहा हूँ, समझ गए? सुनो, मसाओ को बाथरूम जाना है, सुन रही हो ना? क्या हुआ तुम्हें नैनी, तुम्हें डर लग रहा है क्या? चलो पोछन को चलाते हैं। पोछन उठो, हम सब साथ हैं तो हमें डर नहीं लगेगा। सब साथ में ही चलो। सब साथ साथ चलना, नहीं तो खो जाएंगे। नहीं। अचानक अगर भूत आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? अजीब बातें मत करो। चैन, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मुझे डर नहीं। मुझे भी डर नहीं लग रहा है। क्या सच में? हाँ सच में। अरे नहीं, तुम लोग ने तो हमें अकेला छोड़ दिया। शिनचैन, तुमने डराया क्यों? मैंने तो नहीं दिले। अब थोड़ा आराम मिला। जल्दी चलो यहाँ से बाहर। वो देखो, क्या ये वही कहानी वाली सीढ़ियाँ हैं? अगर आपने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर देना। देखो मैं बाथरूम अकेले नहीं आ सका, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सीढ़ी अकेले चढ़कर देख सकता हूँ? ठीक है, ऐसे ही तो कजामा क्यों ना तुम आके देखो ना क्यों ना क्या ही। अरे रुको, रुक जाओ, मैं कहता हूँ। क्या तुम डर गए कजामा? मैं डर नहीं रहा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। कजामा तू क्या, मैं पहले जाऊँ? हाँ तुम ही जाओ, तुम्हें डर नहीं लगता है ना, यही कहते हो ना? नहीं इतनी भी तारीफ मत करे। मैं तारीफ नहीं कर रहा, अगर ऊपर जाते वक्त नीचे आते वक्त सीढ़ियों की गिनती एक नहीं हुई तो इसका मतलब कोई गड़बड़ होगी। बड़ा हो गया, अभी तक इसे गिनती भी नहीं आती। मैं सही तो कर रहा था, तुम नहीं कर रहे थे तो फिर कौन जाएगा? वो चैन पे भरोसा कर सकते हैं। चलो शुरू करें। मुझे तो लगता है ये बहुत टाइम लगाने वाला है। वो चैन,
मुझे लगता है तजानों को जाना चाहिए। मैं क्यों, तुम क्यों नहीं जाती? मैं तो एक मासूम लड़की हूँ। तो भाई हिस्ट्रीन पेपर से सर तुम मेरे साथ चलो ना चिंचैन। मैं साथ नहीं क्यों चलूं? क्योंकि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए अपना ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी सीढ़ियां हैं? 8 ऊपर अंधेरा है। 9 लिख दिया, ध्यान से चलिए। 10 तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही आया था खजाना कहीं। तुम डरना जल्द चले, साथ में चले। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। अरे रुको रुको, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था शिनचान, चलो साथ में चले। खजाना तुम भी ना। तो तुम कहाँ तक पहुँचे थे? 8 तक। 1 2 3 4 5 6 ऐसा तुम्हें लग रहा है? ऐसा है नहीं। 8 9 10 11 12 13 14 इतना बोलोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा था मैं 20 21 22 25 26 27 31 32 33 34 तुम्हें क्या हुआ अब? कहता मैं तुम्हें कुछ कहना भूल गया था। शिनचैन बाकी बच्चों के साथ सो रहा है। अरे कजामन के साथ ही आना था। तुमने मुझे डराया। खैर ज्यादा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 34 पूरी 39 सीढ़ियां है दोस्तों। ऊपर और नीचे दोनों जगह 39। इसका तो ये मतलब मामूली सीढ़ियां हैं। और हमें डरना नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी तो पसीनी छूट गई। आखिर तो गया मैं ही ना। चलो सब बच्चे क्लासरूम में चलते हैं। चलो बताओ क्लासरूम में चलते हैं। हाँ चलो। सीढ़ियाँ कहाँ है? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास में क्यों नहीं गए? योशीनगर मैम, कल हमने यहाँ पर सीढ़ियाँ देखी थी। क्या? लेकिन यहाँ तो कोई भी सीढ़ियाँ नहीं थी। सीढ़ियाँ कहाँ से आएंगी जब स्कूल में दूसरी मंजिल है ही नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। क्योंकि असली बात तो ये है कि हमारे स्कूल में दूसरी मंजिल तो है ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फिर से कर देना। बाय।